हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यम एकेडमी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आई एम प्रज्ञा चोरडिया। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हैलोजन डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू थिंग। इन दिस पर्टिकुलर हैलोजन डेरिवेटिव हेडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस बैकग्राउंड, then we are going to discuss classification of halogen derivatives, then nomenclature of halogen derivative, then we'll move towards methods of preparation of alkyl halide। यहाँ पे हम alkyl halide की preparatory methods discuss करने वाले हैं। then we'll discuss physical, optical and chemical properties of the halogen derivative, then we'll move towards the reaction with active metal, okay, and finally we'll move to uses and environmental effects of halogen derivative। यहाँ पे हम alkyl halide कैसे बनाए जाते हैं ये reactions देखेंगे, और यहाँ पे हम alkyl halide other reactive elements के साथ कैसे react करते हैं और क्या product देते हैं ये discuss करने वाले। See the difference between these two things, okay? So let's quickly move towards the main topic। टुडे इन दिस वीडियो विल ट्राई टू कवर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ओके, सो टू स्टार्ट विद दिस, फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज हैलोजन। सो हैलोजन, हैलो मीन्स सॉल्ट, ओके, एंड जेन मीन्स फैमिली, द ग्रुप ऑफ कंपाउंड वेयर रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। दे आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 17 ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। ओके, इफ यू कंसिडर द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस हैलोजन फैमिली, सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। ओके, अगर आप इनके एटॉमिक नंबर देखें आपको पता ही रहेंगे जो हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम लगते हैं। सो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 एंड एस्टाटाइन। एस्टाटाइन एक्चुअली रेडियो एक्टिव compound, so we are not going to discuss astatine under this heading, so we'll basically focus on fluorine, chlorine, bromine and iodine। Here we'll depict halogen as X, okay, so these are the halogens। Now we'll discuss the classification of halogen derivative। Here first halogen derivatives means these are hydrocarbon, okay, basically the parent structure is hydrocarbon, in which hydrogen of this hydrocarbon is replaced by halogen, okay। Now this halogen derivatives are classified in two level classification, two level because we have two criteria for classification। So first criteria is hydrocarbon skeleton, so we can classify halogen derivative on the basis of hydrocarbon skeleton jo unke paas hai। Agar is criteria pe hum halogen derivative ko classify karne jaye, so we'll have haloalkane, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन एंड हेलो अरिन्स। ओके, और सेकेंड क्राइटेरिया है नंबर ऑफ हेलोजन एटम, व्हाट दैट हेलोजन डेरिवेटिव इज कैरिंग। ओके, सो नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे अगर हम क्लासिफाई करने जाए, सो इट इज मोनो हेलोजन, डाय हेलोजन, ट्राई हेलोजन एंड टेट्रा हेलोजन। ओके, क्लियर है यहां तक? सो विल गो दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन क्लासिफिकेशन इन डिटेल। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज हेलो अल्किन। अभी देखिए यहाँ पे वी नो दैट हाइड्रो, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप। ओके, फर्स्ट वन इज एलिफैटिक एंड सेकेंड वन इज एरोमैटिक। ठीक है, एलिफैटिक होते हैं और एरोमैटिक होते हैं। एलिफैटिक मीन्स चेन एंड एरोमैटिक मीन्स रिंग स्ट्रक्चर। एलिफैटिक में भी दो टाइप रहता है, ओके, अनसेचुरेटेड एंड सैचुरेटेड वन। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब याद रखिए एस, एस इज फॉर सिंगल, सिंगल बॉन्ड जिस हाइड्रोकार्बन में है उन्हें हम सैचुरेटेड बोलेंगे, दैट इज अल्केन। ओके, और दूसरे जो है अल्कीन और अल्काइन, दीज आर कंपाउंड कंटेनिंग आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सो दीज आर अनसेचुरेटेड। ओके, सो अल्केन इज सैचुरेटेड, अल्कीन एंड अल्काइन आर अनसेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एंड एरोमेटिक इज रिंग स्ट्रक्चर। ओके, दिस यू ऑल नो। नाउ व्हाट इज हेलो अल्केन? हेलो अल्केन डेरिवेटिव मीन्स हमें अल्केन स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। ओके, सो
ये एग्जांपल हम डिटेल में देखते हैं, CH3 CH3 इथेन। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, Cl2 ऐड करेंगे। नाउ वन Cl फ्रॉम द Cl2 मॉलिक्यूल विल रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम, सो यहां पे हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा एंड दैट हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एक्स हियर क्लोरीन CH3 CH2 Cl। जो हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है दैट विल रिएक्ट विद द अनादर Cl गिविंग HCl, सो दिस इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस हेलो अल्केन। ओके, सिमिलरली सेकेंड कैटेगरी इज हेलो अल्कीन। सो हेलो अल्कीन में अल्कीन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है हेलोजन ने, ठीक है। हेलो अल्काइन में क्या हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड होगा ऑब्वियसली अल्काइन फैमिली, इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है हेलोजन ने, ठीक है। एंड फाइनली हेलो अरीन, अरीन आर द रिंग स्ट्रक्चर के, यहां पे रिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, सो ये हाइड्रोजन रिमूव किया है और हेलोजन वहां पे रिप्लेस हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हेलो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड हेलो अरीन रिस्पेक्टिवली। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ क्विकली विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव एंड दैट इज नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम यहाँ पे चार क्लासेस है, मोनो हेलोजन, डाय हेलोजन, ट्राय हेलोजन एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। मोनो फ्रॉम वर्ड यू विल गेट टू नो, मोनो मीन्स सिंगल, डाय मीन्स 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, राइट। नाउ क्विकली विल सी द स्ट्रक्चर। मोनो हेलोजन यहाँ पे देखिए, सेम स्ट्रक्चर हम रिपीट कर रहे हैं, CH3 CH2 X, यहाँ पे एक ही हेलोजन एटम है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अभी ये जो हेलो एरिन का एग्जाम्पल था, दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। सो दीज ऑल आर रादर एग्जाम्पल ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। नाउ डाय हेलोजन डेरिवेटिव, CH3 CH2 X में से एक और हाइड्रोजन हमें रिप्लेस करना है बाय हेलोजन एटम, सो दिस विल गिव यू 2 हेलोजन, डाय हेलोजन। सो दीज आर द डाय हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर। ओके, यहां पे एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन एटम है, वेर एज यहां पे 2 नेबरिंग कार्बन के ऊपर एक एक हेलोजन अटैच है। जब ये टाइप का स्ट्रक्चर होता है वेर वन कार्बन इज कैरिंग 2 हेलोजन, दिस इज नोन एज जेमिनल सिमेट्री, सो जेमिनल डायहेलाइड। और जब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन प्रेजेंट रहते हैं, दिस इज विसिनल डायहेलाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज CH2 CH2, एक एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया है बाय हेलोजन, सो दिस इज XXX, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1, 2, 3 ट्राय हेलोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर रिंग में से 3 हाइड्रोजन रिमूव किए और वो रिप्लेस किए बाय 3 हेलोजन, सो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ ट्राय हेलोजन डेरिवेटिव। अगर मैंने मिथेन लिया है सिंपल और CH4, मीथेन में से अगर मैंने 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किए बाय Cl3, सो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ ट्राय हेलोजन डेरिवेटिव। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म, ओके, कॉमनली यूज इन मोस्ट ऑफ द लैब। टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, ऑब्वियसली टेट्रा मीन्स 4, सो 4 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट। सेम अगर मैं मिथेन का एग्जाम्पल लेती हूँ, इसमें से 4 हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किए है बाय 4 क्लोरीन हेलोजन, सो दिस विल गिव मी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर है यहां तक? नाउ वी हैव टू फोकस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव इन डिटेल, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यू हैव टू क्लासीफाई मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल आपको लेना है और आपको ये पूरे क्लासेस इन डिटेल एक्सप्लेन करने, ठीक है। सो विल क्विकली गो वन बाय वन। सो फर्स्ट क्लास इज अल्काइल हलाइड, ओके, इसको हम हेलो अल्केन भी बोलेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्सप्लेन करना है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके लिए क्विकली हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH3 CH2 C CH2 C CH3 पैरेंट स्ट्रक्चर। थर्ड कार्बन पे CH3, एक मिथेन ग्रुप अटैच है।
फिफ्थ कार्बन के ऊपर दो मिथेन अटैच है, ठीक है। अभी देखिए प्राइमरी मतलब क्या है, प्राइमरी मतलब दैट कार्बन विच इज अटैच टू ओनली सिंगल कार्बन, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, सो दिस इज द प्राइमरी, ओके, जिसको हम वन डिग्री भी बोलेंगे। सेकेंडरी मतलब दैट कार्बन विच इज अटैच टू टू कार्बन, ओके, सो ये सेकेंडरी है। टर्शरी मतलब क्या है, द कार्बन विच इज अटैच टू थ्री कार्बन, ओके, एंड क्वार्टरनरी इज कार्बन विच इज अटैच टू वन टू थ्री एंड फोर कार्बन, फुल वैलेंसी। सो ये रहता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी अरेंजमेंट। अभी हम अल्काइल हलाइड की अगर बात करें तो अल्काइल हलाइड में प्राइमरी अगर होगा तो इसमें उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हेलोजन सब्सटीट्यूशन रहेगा जो सिर्फ एक कार्बन को अटैच है। अगर यहां पे हेलोजन सब्सटीट्यूट है इसे बोलेंगे प्राइमरी मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, ओके। अगर आपका हेलोजन यहां पे अटैच होगा ऑन द कार्बन विच इज अटैच टू टू कार्बन, ओके, सो दिस इज अ सेकेंडरी अल्काइल हलाइड। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड मतलब आपका हेलोजन यहां पे अटैच होगा, ओके। अभी देख लीजिए यहां पे आपका हेलोजन अटैच नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इस कार्बन ने वैलेंसी फुलफिल की है विद द फोर कार्बन, ओके, सो देयर इज ओनली प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्लियर है। नाउ वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अलाइलिक हैलाइड। इन दिस अलाइलिक हैलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए यहां पे कार्बन, ये कार्बन, इन्होंने डबल बॉन्ड फॉर्म किया है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाला जो कार्बन है इसको हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ओके, दिस इज द अलाइलिक कार्बन। और अलाइलिक कार्बन पे अगर आपका हेलोजन सब्सटीट्यूशन है तो इसे अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज, अगर ब्रशअप करना चाहे तो क्विकली आई विल गो टू sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के ये तीन टाइप है बेसिक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए a1 एंड दिस 3 4, सो देर आर फोर सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट। देखिए अगर एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन करूं, सो यहां पे कार्बन है which is bonded to 1 2 3 4, okay, atom by four single bond, so you have four sigma bond, example is methane। sp2 hybridization yaha pe teen bond hai 1 2 3, matlab carbon ke obviously valency char fulfill hui hai lekin ek carbon which is following sp2 hybridization is bonded to three atom 1 2 3, okay, so three sigma bond and we know that pi bond mein ek bond मीन्स डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई होता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल इज इथीन। sp हाइब्रिडाइजेशन में दो सिग्मा और दो पाई बॉन्ड रहेंगे, सो एग्जाम्पल इज इथाइलिन, जिसमें एक कार्बन एटम दो एटम के साथ बॉन्डेड है, ओके, विथ टू सिग्मा बॉन्ड एंड टू फ्रॉम दिस ट्रिपल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। यू गॉट दिस, ब्रशअप हो गया। अगेन मूव टूवर्ड्स दिस, इसमें क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर हमारा हेलोजन अटैच है। दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड कार्बन, ओके, डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन सब्सटीट्यूशन है, क्लियर है। अगर हम यहां पे देखें नेक्स्ट एग्जांपल, जहां पे रिंग में हेलोजन एटम सब्सटीट्यूट है, अगर रिंग का इंडिविजुअल हम कार्बन कंसिडर करें सो इट इज प्रेजेंट इन sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके। नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। डेफिनेशन ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड इज हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू रिंग। अभी यहां पे देखने जाओ तो ये है रिंग स्ट्रक्चर, ओके, बेंजीन स्ट्रक्चर, इसके ऊपर CH2 सब्सटीट्यूशन है और उसके ऊपर हेलोजन का सब्सटीट्यूशन है। ये जो कार्बन है, ओके, विच इज अटैच टू रिंग इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। सो बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर जो हेलोजन सब्सटीट्यूशन रहेगा दैट इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड, क्लियर है। अभी इसके अंदर भी हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर ये बेंजाइलिक कार्बन हमारा दो हाइड्रोजन को अटैच है, ओके, सो दिस इज प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन। अगर ये कार्बन यहां पे रिंग के साथ और एक कार्बन के साथ अटैच है सो दिस इज अ सेकेंडरी अरेंजमेंट, ओके, उस कार्बन के ऊपर हमारा हेलोजन सब्स्टिट्यूट है, सो दिस इज अ सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। और टर्शरी अगर हम देखने जाए, दैट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन
is attached to two carbon apart from the ring, and then it is substituted by your halogen. So this is a tertiary benzylic halide. Clear? Next, quickly we'll discuss vinylic halide. Okay, vinylic, where halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom of aliphatic chain. These are also known as haloalkene. Vinylic मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज विनाइलिक. इसमें ये कार्बन और ये कार्बन, इसको विनाइलिक कार्बन बोलते. इस विनाइलिक कार्बन के अगर ऊपर आपका हेलोजन एटम सब्स्टिट्यूटेड है, सो दिस इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड. क्लियर है? एग्जाम्पल इज दिस. यहां पे भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, सो इंडिविजुअल कार्बन इज विनाइलिक कार्बन. नेक्स्ट वन इज हेलो अल्काइन. ओके, हेलो अल्काइन, ये जो क्लासिफिकेशन कम क्लास है, इसमें हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. एसपी हाइब्रिडाइज, ओके, सो ट्रिपल बॉन्ड, याद है ना? एसपी हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है. सो हेलो अल्काइन ये जो है, इसमें सी ट्रिपल बॉन्डेड विथ अनादर सी, और उस कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन सब्स्टिट्यूशन रहेगा. ओके, एंड द लास्ट क्लास of this classification of monohalide is aryl halide. Okay, aryl halide. So these are haloarene, where ring के ऊपर आपका halogen substitution है. Ring के ऊपर कोई और भी substitute रहेगा और उसके ऊपर भी halogen substitution रहेगा. See, X means halogen atom is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring. Okay, sp2 hybridized carbon atom के ऊपर हमारा हेलोजन सब्स्टिट्यूशन रहेगा. क्लियर है यहां तक? सो हमने अभी तक क्लासिफिकेशन में देखा कि हेलोजन्स जब सब्स्टिट्यूशन हेलोजन का होता है हाइड्रोकार्बन में, सो दीज आर क्लासिफाइड इन टू लेवल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द नॉमिनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव. हेलोजन डेरिवेटिव को नेम असाइन करना है, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ टू सिस्टम, कॉमन नेम एंड IUPAC नॉमिनक्लेचर. आप सबको पता ही होगा, 11th में हमने डिटेल स्टडी किया है. सो कॉमन नेम जब हम हेलोजन डेरिवेटिव को देते हैं, सो दीज आर अल्काइल ग्रुप, ओके, प्लस हैलाइड, नेम ऑफ हैलाइड, जो भी हेलोजन रहेगा, फ्लूराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो भी रहेगा. IUPAC में क्या होगा, ये हैलाइड यहां पे जो सेकेंडरी आता है, इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा. इट इज यूज एज अ प्रीफिक्स, सो इट इज हेलो अल्केन, हेलो अरीन. ओके, ये इस फॉर्म में रहेगा. अभी रिंग की अगर हम बात करें, ओके, एरोमेटिक रिंग की अगर हम बात करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो कॉमन नेम जब हम असाइन करते हैं, तो इसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये वर्ड्स हम यूज करेंगे. और अगर हम IUPAC नॉमिनक्लेचर कर रहे हैं, तो इसमें हम यूज करेंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4, लाइक दिस. ओके, इफ आई क्विकली एक्सप्लेन दिस, ये हमारी रिंग है. ओके, इसमें अगर यहां पे सब्स्टिट्यूशन है, ओके, यहां पे अगर हमारा प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन है, तो यहां हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे नंबरिंग करते हैं. ठीक है, अगर मेरा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन यहां पे आता है, ओके, सो ये 1, ये 2 पोजीशन है, तो नेक्स्ट टू द प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन अगर हम हेलोजन सब्स्टिट्यूट अटैच करें, लेट्स सी, मैं इसको OH बोल रही हूं, फिनॉल है ये हमारा. OH के इमीडिएट कार्बन के ऊपर अगर हम हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर रहे, सो दिस पोजीशन इज ऑर्थो. इसके बाद है हमारी मेटा एंड दिस वन इज पैरा. ओके, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, इसमें हम IUPAC में नंबरिंग यूज करते, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अभी जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक और एरोमेटिक होते हैं. एलिफैटिक में अल्केन, अल्कीन आता है, ओके, अल्काइन भी आता है, और एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं. एग्जांपल अगर मैं क्विकली देखूं, CnH2n+2, इट इज द फॉर्मूला फॉर अल्केन. अल्केन में हाइड्रोजन रिमूव करना है और वहां पे ऐड करना है हेलोजन एटम, सो यू विल गेट CnH2n+1X. सो दिस इज अल्केन, दिस इज अल्काइल हैलाइड. एग्जाम्पल अगर मैं देने जाऊं, C2H6 इज इथेन. इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया एंड ब्रोमीन इज एडेड, यू विल गेट C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड. ओके, अगर मैं ये फॉलो करूं, अल्काइल ग्रुप है, इथाइल,
और हलाइड है ब्रोमाइड। सो ये कॉमन नेम मैं इसे दूंगी, इथाइल ब्रोमाइड। अगर मैं इसे असाइन करूं IUPAC नॉमेनक्लेचर, सो हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया है कि हलाइड ग्रुप को हम प्रीफिक्स के जैसे यूज करेंगे। सो ब्रोमाइड का हम यूज करेंगे ब्रोमो और पैरेंट स्ट्रक्चर है हमारा इथेन। सो कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज इथाइल ब्रोमाइड, वेयर एज द IUPAC नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर इज ब्रोमो इथेन। क्लियर है? अभी कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। सी दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, CH3CH2Br। ओके, जो भी हमने एक्सप्लेन किया था CH3CH2Br इज इथाइल ब्रोमाइड एंड IUPAC नेम इज ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH3CH CH3CH2Cl। इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो क्यू? देखिए ये जो पोजिशन है जिसमें कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम आइसो पोजिशन बोलते हैं। दिस इज द आइसो अरेन्जमेंट। ओके, 1 2 3 4, फोर कार्बन है तो हमारा आएगा ब्यूटाइल। सो आइसो ब्यूटाइल, और अटैचमेंट किस हलाइड का है? क्लोराइड। सो कॉमन नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर इज आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं इसको IUPAC नॉमेनक्लेचर दू तो ये है मेरी लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। ओके, हेलोजन के यहां से फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करूंगी मैं 1 2 3। सो ऑन फर्स्ट पोजिशन आई हैव द क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल है। सो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 2 3 प्रोपेन। क्लियर है? अभी ये देखो 1 2 3 4, चार कार्बन है सो ब्यूटेन ब्यूटाइल आएगा। अभी ये जो अरेंजमेंट है जिसमें वन कार्बन इज अटैच टू थ्री कार्बन डायरेक्टली, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज टर्शरी अरेंजमेंट। यहां पे मैं टर्ट यूज करूंगी, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, अगर मैं इसको नेम देने जाऊं, सो 1 2 3, सेकेंड पोजिशन पे क्लोरीन भी अटैच है और सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्लोरो है, सो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है डबल बॉन्ड, इसे हम विनाइल कहते हैं। ओके, सो विनाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड। और अगर IUPAC नेम देखे जाए तो दो कार्बन है, फर्स्ट इस पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है, 1 क्लोरो इथेन। सी दिस CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। ये अरेंजमेंट जब हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था अलाइल, तब हमने देखा था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर जो नेक्स्ट कार्बन है इस कार्बन को हम अलाइल बोलते हैं। सो दिस इज अलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसको अगर नेम देने जाओ 1 2 3, सो डबल बॉन्ड से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3, सो इट इज 3 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, याद रखो ENE है, डबल बॉन्ड है। रिंग स्ट्रक्चर अगर मैं देखने जाऊं तो रिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप और आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड है। अभी देखो ये जो मैं अगर इसको इग्नोर करूं, ये दिस बेसिक स्ट्रक्चर वेयर रिंग इज अटैच टू CH3 हैज द कॉमन नेम टोल्यूइन। ओके, सो टोल्यूइन के ये पोजीशन है 1, इसके नेबरिंग पोजीशन होगी मेरी ऑर्थो, ये होगी मेटा और ये है पैरा पोजीशन। सो पैरा पोजीशन पे आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट है, सो पैरा आयोडो टोल्यूइन। समझ में आया? इसका IUPAC नेम अगर मैं देखने जाऊंगी तो यहाँ पे मुझे फंक्शनल ग्रुप पर प्रेफरेंस देना पड़ेगा, नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग दूंगी 1 आयोडो 4 मिथाइल बेंजीन। टोल्यूइन नेम जो है ये IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया है, तो मैं इसको ऐसे भी नाम दूंगी, ये मैं टोल्यूइन कंसिडर करूंगी। और टोल्यूइन के यहाँ पे 1 2 3 4th, फोर्थ पोजिशन पे आयोडीन है, तो 4 आयोडो टोल्यूइन, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल नेम IUPAC नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर। ओके, लास्ट रिंग है जहां पे 2 क्लोरीन है। ओके, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डायहेलोजन डेरिवेटिव। इसमें इसको अगर मैं कंसिडर किया 1, ओके, सो ये है उसकी साइड वाली ऑर्थो पोजिशन, ये है मेटा पोजिशन, दिस इज पैरा पोजिशन। सो मेटा पोजिशन पे अरेंजमेंट है, सो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम मेटा। जब हम बोलते तो ये अरेंजमेंट हम कंसिडर करते, एंड द IUPAC नेम फॉर द सेम स्ट्रक्चर इज 1 2 3, सो 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आया? सो वी हैव कवर्ड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव इन दिस वीडियो लेक्चर। ये अगर आपको समझ में आया है
तो आप एग्जाम डिफरेंट एग्जाम्पल लेके उसको आईयूपीएसी नॉमिनक्लेचर दे सकते हैं, और कोई भी एक एग्जाम्पल देके वो कौन से क्लास के अंडर आता है ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्लियर हो जाओगे टर्म्स में एंड यू विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर टू सब टॉपिक ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव। थैंक यू फ्रेंड्स।